डियर स्टूडेंट्स, आज अपन दसवीं क्लास में साइंस के अंदर फिजिक्स वाला पार्शन जो है अपने पास, उस पोर्शन को अपन पढ़ेंगे जिसके अंदर तीन यूनिट आती है अपने पास, जिसके अंदर अपनी टेंथ यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट। अलग अलग बोर्ड, अलग अलग बुक्स इस चैप्टर को अलग अलग नाम से लिखती है। जैसे सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर को इलेक्ट्रिसिटी के नाम से लिखा गया है। अब ये चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को डीप में आप ट्वेल्थ क्लास के अंदर पढ़ोगे। दसवीं क्लास में अपने पास तो बहुत ही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी, लेकिन जैसे आप ट्वेल्थ क्लास में जाओगे तो इसके अंदर आपको बहुत से टॉपिक और उसको बहुत ही डीपली में अपन पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपन चलते हैं मेन टॉपिक पर। इस चैप्टर के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अलग अलग सर्किट डायग्राम जो होते हैं उनकी अपन टेबल बनाएंगे। उसके बाद सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस और इस टॉपिक को अपन आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपना जो मेन पोर्शन है, मेन जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इसको एग्जांपल के साथ समझने के लिए अपन देखते हैं कि आज आप इस कैमरे के माध्यम से मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये क्यों पॉसिबल है, ये पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो इसलिए ये जो अपना टॉपिक है या ये जो अपना चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात आए तो ये दो टाइप्स की होती है, देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट है अपने पास, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक का मीन होता है रेस्ट। यदि कोई चार्ज रेस्ट के अंदर है तो उसको बोलेंगे स्टैटिक बोलेंगे, और यदि कोई चार्ज रेस्ट के अंदर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के कारण क्या क्या अपन को इफेक्ट पड़ने को या देखने को मिलते हैं उसको अपन बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड अनदर अपने पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, करंट का मतलब है मूविंग। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन दो बात पढ़ते हैं कि यदि कोई चार्ज स्टेबल कंडीशन के अंदर है तो उसके कौन कौन से फिनोमिना है, उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके कौन कौन से इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है या क्रिएट करता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, किसमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मूविंग में है, रनिंग के अंदर है या किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो उसको अपन बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेनली अपने पास दो टॉपिक मिलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पर अभी 5 से 7 बार हमने एक वर्ड बोला है, चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज ये जो वर्ड है हमें बहुत बार सुनने को मिलने को मिलता है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज नथिंग, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट और एनी मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये जो चार्ज है ये एक प्रॉपर्टी है और वो उस पार्टिकल के अंदर ही होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे चार्ज है, चार्ज को हमेशा अपन स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके सराउंडिंग एक ऐसा फील्ड जनरेट होता है। यदि इस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसकी सराउंडिंग एक ऐसा फील्ड जनरेट होता है कि इस फील्ड के अंदर यदि कोई अनदर चार्ज एंटर होता है तो ये जो फर्स्ट चार्ज है वो इस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई करता है। वापस बोलता हूँ, यदि कोई चार्ज है वो चार्ज अपने आसपास अपने सराउंडिंग
एक ऐसा फील्ड जनरेट करता है, यदि उस फील्ड के अंदर यदि कोई अनदर चार्ज एंटर करेगा तो ये फर्स्ट वाला चार्ज है उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये फोर्स कैसा हो सकता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सिव हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि इस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात आती है तो प्रॉपर्टी का मतलब है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज का मतलब ये हो गया कि चार्ज एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो अपने हमेशा आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है। यदि उस फील्ड में यदि कोई अनदर चार्ज एंटर करता है तो वो फर्स्ट चार्ज वाला जो पार्टिकल है वो सेकेंड चार्ज के ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये फोर्स कैसा हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है, वो डिपेंड होता है कि आपने जो चार्ज पार्टिकल लिया है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसका टाइप्स कैसा है। तो अगला टॉपिक अपने पास है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप का होता है, तो चार्ज बेसिकली दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये सब कैसे आया, तो उसको सुनना। हम कैसे कह सकते हैं कि इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है या उस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है। ये सब जो चार्ज का प्रोडक्शन होता है या चार्ज का क्रिएशन होता है वो डिपेंड करता है कि आपने उस पार्टिकल के साथ क्या किया है। या मैं सीधे टॉपिक पर लेके चलूं कि कॉजेज ऑफ चार्जेस, के चार्ज कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो चार्ज क्रिएट करने की अपने पास तीन मेथड है, फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकेंड कंडक्शन एंड लास्ट वन इज इंडक्शन। फ्रिक्शन हमारे सिलेबस के अंदर है, कंडक्शन और इंडक्शन जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई दो बॉडी लेते हो, उस दो बॉडी को आपस में रब करते हो, तो रब करने से क्या होगा कि किसी एक बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस अनदर बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हो जाएगी और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। या अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन क्या होता है, जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं और जो नेगेटिव पार्टिकल होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ऐसा पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है उसे अपन न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन की अपन बात कभी नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल होता है। तो प्रोटॉन की बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास है, मान लीजिए अपने पास ये ऑब्जेक्ट एक है, तो इसके अंदर भी प्रोटॉन है और इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने प्रोटॉन है और उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस बॉडी का या इस ऑब्जेक्ट का जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को एक अनदर बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके गए और दोनों बॉडी को रब किया। रब करने से क्या होगा कि किसी एक बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से एमिट होंगे और किसी अनदर बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे और एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे। अब जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उस पर नेट चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे या जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे उस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए अपने पास दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, इसके पास 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन अपने पास है। बॉडी ए और बी, बॉडी बोलूं ऑब्जेक्ट बोलूं एक ही बात है, बॉडी ए और बॉडी बी दोनों को जब आपस में रब किया, रब करने से क्या होगा, मान लीजिए अपने पास जो बॉडी ए है उस बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होंगे,
या यहाँ से टूटेंगे और एमिट होकर कहाँ जाएंगे, बॉडी बी के अंदर जाएंगे। तो मैंने कहा कि इस बॉडी ए में से एक इलेक्ट्रॉन टूटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर कहाँ गया, बॉडी बी के अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 12 हो गया। अब बॉडी ए और बॉडी बी को देखो, अब यहाँ पर जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पर भी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब दोनों बॉडी को कंपेयर किया जाए तो बॉडी बी के अंदर इलेक्ट्रॉन में इंक्रीजिंग हुई है और बॉडी ए के अंदर इलेक्ट्रॉन में डिक्रीजिंग हुई है। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग होती है उस बॉडी पर नेट चार्ज आएगा नेगेटिव, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए हैं उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्योंकि यदि आप देखा जाए यहां पर प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्लस और 11 माइनस आपस में कैंसिल हो गए, पीछे बच गया क्या, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी बी का क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। अब दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है कि सर किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लाने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लाने के लिए क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही सेक्रीफाइस होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक में से निकलेंगे और एक में एंटर करेंगे, क्या कभी प्रोटॉन यहाँ से टूटकर इसमें जा सकता है क्या, नहीं। प्रोटॉन कभी भी बॉडी में, यदि किन्हीं भी दो बॉडी को रब करोगे तो प्रोटॉन कभी यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे। उसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको इसमें से निकालने के लिए और इसमें एंटर करवाने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब कहा जाए कि प्रोटॉन में, किसी बॉडी में से प्रोटॉन को निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने की कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अपने पास कोई एक बस है, बस की सीट पर कोई एक व्यक्ति बैठा है और बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट के अंदर है, और आप बस के अंदर एंटर करते हो। अब वो दो लोगों की सीट है और उस पर एक अकेला हैवी बॉडी का एक बच्चा या कोई आदमी बैठा हुआ है, तो आप सीधी सी बात है आप उस हैवी बॉडी के आदमी को वहाँ से नहीं उठा पाओगे, क्यों, क्योंकि उसको उठाने में आपको अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जबकि उसके पीछे वाली सीट पर कोई पतला सा दुबला सा व्यक्ति बैठा है तो आप फटाक से उसके पास जाओगे, पतले वाले व्यक्ति के पास, स्लिम बॉडी के पास, और कहोगे भैया थोड़ा साइड में जाओ मुझे बैठना है। ठीक इसमें भी ऐसा ही होता है अपने पास कि किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर एंटर करवाएंगे। तो ये बात आ गई अपने पास कि चार्ज कितने टाइप का होता है। चार्ज अपने पास दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यदि कोई बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करती है या उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन अपने में से एमिट करेगी तो हमेशा उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनफ। और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करती है, इलेक्ट्रॉन का गेन करती है तो हमेशा उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सिंपल सी थ्योरी है चार्ज की। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो अपने आसपास हमेशा एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगी कि उस फील्ड के अंदर यदि कोई अनदर चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो चार्ज उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। अब ये फोर्स दो टाइप का हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के ही बेसिस पर हमने चार्ज को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। और किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 10th क्लास है, बेसिक जानकारी है, उसको अपन लेके चलेंगे, जो फंडामेंटल नॉलेज कहा जाता है उसको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है और ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे और लेके चले कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी बॉडी में, अब देखो यहाँ पर जो मेटेरियल अपने पास होता है या जो मैटर है अपने पास है, उस मेटेरियल को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है,
एक होता है अपने पास कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर है इसका नेम आप 12th क्लास में जाकर पढ़ेंगे या रीड करेंगे। 10th क्लास के अंदर अपने पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मैटर अपने पास है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर। अब बात ये आती है कि व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। ज्यादा वर्ड में न जाकर अपन सिंपल सा बोलेंगे कि कोई एक ऐसा या कोई एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर करंट फॉलो हो सके वो कहलाता है कंडक्टर, और एक ऐसी बॉडी जिसमें करंट फॉलो नहीं होती हो कहलाती है इंसुलेटर। अब एग्जांपल की बात आती है, कंडक्टर किसे कहेंगे? तो जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो आपका कॉपर हो, चाहे वो आपका आयरन हो, वे सभी मेटल्स क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। जितने भी मेटल आपने केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर जितना भी पढ़ा है वो सब क्या कहलाएंगे? कंडक्टर कहलाएंगे। और इंसुलेटर किसे कहेंगे? ऐसी बॉडी या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती हो उसको अपन बोलेंगे इंसुलेटर बोलेंगे। घर के अंदर जो अपना इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर वायर काम में लेते हैं अपन। यहाँ पर जब आप वायर को देखोगे तो वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की होती है। वो कोटिंग क्यों की जाती है? ताकि आपको झटका ना लगे या आपको शॉक ना लगे। क्यों? क्योंकि जो कोटिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है, और प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर का काम करता है। मतलब प्लास्टिक के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आपने उस प्लास्टिक के वायर को वहां से ऊपर से हटाना स्टार्ट किया तो अंदर अपने पास कॉपर की वायर आती है, और जो कॉपर है वो अपना मेटल है, और मेटल है तो क्या होगा? कनेक्टर होगा। कनेक्टर होगा तो उसके अंदर करंट फ्लो हो सकती है, और जैसे आप उसके हाथ लगाओगे यदि वो वायर किसी सप्लाई के साथ कनेक्ट है, मतलब किसी प्लग के अंदर, और वो प्लग यहां से ऑन किया हुआ है, और जैसे आपने कॉपर के ऊपर हाथ लगाया तो आपको शॉक लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर करंट है। तो पहली बात यानी चाहिए कि कंडक्टर किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है कि जिसके अंदर करंट फ्लो हो सकती है उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती है उसे इंसुलेटर कहा जाता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एग्जांपल की बात आए तो जितने भी मेटल्स अपने पास है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो आयरन हो, सब कंडक्टर कहलाती है। और प्लास्टिक, वुडन या वुड, ये सब जितने भी अपने पास हैं ये सब इंसुलेटर कहलाते हैं। मतलब ऑल मेटल्स आर कंडक्टर एंड प्लास्टिक एंड वुड इज इंसुलेटर। ठीक है, ये बात आगे कंडक्टर की, इंसुलेटर की। ये क्यों बताया? क्योंकि ये सब बेसिक है। यदि आपको इतना नहीं आता है तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो अपना चार्ज क्लियर, टाइप्स ऑफ चार्ज क्लियर, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने अपने घर के अंदर इस करंट वर्ड को बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आपने बोला भी होगा। लेकिन नॉर्मली अपन किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज करंट, तो वो इसकी डेफिनेशन नहीं दे पाता है। तो फिजिक्स के अंदर करंट की डेफिनेशन क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसकी यूनिट क्या है, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, इसको अपन पढ़ेंगे। साइंस के अंदर एक ही दिक्कत आती है फिजिक्स कि सर फिजिक्स नहीं होती हमसे, और फिजिक्स में भी क्या न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल इसे नहीं हो पाते हमसे। और मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है, तो ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक करंट, इसको लेकर चलते अपन। इलेक्ट्रिक करंट,
इसका जो सिंबल है वो है अपने पास आई। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई और स्मॉल आई। वॉट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई और स्मॉल आई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कहीं कहीं बुक्स कैपिटल आई से डिनोट करती है और कोई कोई बुक इसको स्मॉल आई से भी डिनोट करती है, दोनों एक ही है। अब क्या होता है ये सुनना। मान लीजिए अपने पास कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर है तो सीधी सी बात है कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मूव करने लगते हैं, मूव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ और यहां पर पहुंचता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी कंडक्टर के अंदर मूव करने लगते हैं, मतलब अपने स्टेबल कंडीशन से रनिंग कंडीशन में आते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को छोड़कर वो एक डायनेमिक फॉर्म के अंदर आते हैं। तो जैसे ही कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल ही है अपने पास, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंडीशन से रनिंग कंडीशन में आता है तो वहां पर 100% मान के चलिए क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट। अब चाहे इसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलो या इसको करंट बोलो एक ही बात है, क्योंकि लंबा नाम हो पाता है इसलिए शॉर्ट के अंदर इसको अपन करंट ही लिखते हैं, ठीक है। अब अपने यहां पर क्या बोला है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल कौन सा अपने पास, इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ट्रेवल करता है तो अपन क्या बोलेंगे, उस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट हो गई। और करंट का सामान्य फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है अपने पास I इज इक्वल टू क्यू पाई टी। वॉट इज क्यू? क्यू यहां पर चार्ज है, किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, क्यू यहां पर चार्ज है कि कितना, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ कंडक्टर। क्या गलती मत करना, क्या Q यहां पर है चार्ज, कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज कंडक्टर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल किया है वो टोटल चार्ज। ऐसा नहीं कि सर हम एक इलेक्ट्रॉन ही लेके चलेंगे, I इज इक्वल टू E बटा टी, नहीं, Q का मतलब है इंटायर होल चार्ज, कितना चार्ज उस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है वो टोटल जो चार्ज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। और वो चार्ज इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ट्रेवल करने में कितना टाइम टेकन लेता है उसको बोलेंगे टी। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। जब भी फिजिक्स के अंदर अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें एक एक वर्ड, एक एक सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल अपने इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। हमें यहां पर पता ही नहीं चलता है कि यहां पर क्यू क्या है, यहां पर टाइम क्या है, यहां पर आई क्या है, तो हम न्यूमेरिकल आगे नहीं कर सकते। फिजिक्स का मतलब ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये अपने पास आ गया फॉर्मूला। क्यों यहां पर क्या है, टोटल चार्ज जो किसी कंडक्टर के वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ट्रेवल करता है और कितने टाइम में, वो टाइम है टी यहां पर। तो यदि अपन यहां पर करंट की डेफिनेशन बोल लें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। जब भी किसी भी फॉर्मूले में अपॉन में टी होगा उसको अपन हमेशा रेट ऑफ बोलेंगे, और ऊपर अपने पास चार्ज है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब बात आती है कि सर के फॉर्मूला अपना हो गया, इसकी यूनिट क्या अपने पास, ठीक है चलते हैं यूनिट पर। आई की यूनिट चाहिए हमें, ठीक है यूनिट, आई की यूनिट चाहिए, तो ये अपने पास आई इज इक्वल टू। जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी हो तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दैट फॉर्मूला, कि उसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में कौन सा सिंबल काम में लिया, उस सिंबल की यूनिट क्या है उसको लिखो। हमने बात की थी चार्ज की, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती कूलम्ब। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है।
और कुलॉम कौन है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के ऊपर वर्क किया था। और इसका सिंबल होगा कुलॉम का, वो होगा कैपिटल सी। क्या होगा? कैपिटल सी। कुलॉम का जो सिंबल होगा कैपिटल सी। एक बात ध्यान रखना हमेशा, फिजिक्स में हमेशा यदि कोई भी ऐसी यूनिट जो किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल आएगा 100% मान के चलिए। जैसे वर्क, वर्क की यूनिट होती है जूल, और जूल में हमेशा जे कैपिटल आता है। करंट, करंट की आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे वो होगी एम्पियर, एम्पियर में हमेशा ये अपन क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे, कभी भी अपन स्मॉल नहीं लिखेंगे। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट ये पास्कल, पास्कल का हमेशा अपन लिखेंगे पी कैपिटल और ए आएगा स्मॉल। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट किसी न किसी साइंटिस्ट के नेम पर रखी गई है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा आएगा कैपिटल। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फोर्स की न्यूटन, और न्यूटन के अंदर भी एन कैपिटल ही आता है, कभी भी अपन न्यूटन को स्मॉल एन से नहीं लिखते हैं। तो चार्ज की यूनिट होगी अपने पास कुलॉम, कुलॉम को लिखते हैं सी से। कुलॉम क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए सी कैपिटल आएगा। तो ये आ गया सी अपॉन टी। यहां पर टाइम, और टाइम की यूनिट हमेशा अपन लेके चलेंगे सेकंड, और सेकंड का आ जाएगा अपने पास एस। अब कोई सेकंड को एस लिखता है और कोई सेकंड को ऐसा भी लिखता है यहां पर, ये ठीक है ना। तो अपने पास ये सबसे बढ़िया है सेकंड। तो करंट की यूनिट अपने पास कुलॉम अपॉन सेकंड। आगे चलकर करंट के ऊपर एक साइंटिस्ट थे बहुत ही पॉपुलर, उन्होंने काम किया और उनका नाम था एम्पियर। और एम्पियर ने कहा कि कुलॉम अपॉन सेकंड को हम आगे से लिखेंगे एम्पियर। क्या लिखेंगे? एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट जिन्होंने करंट के ऊपर काम किया और उन्होंने कहा कि करंट की आगे से जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर। तो जब भी हमें कभी करंट की यूनिट लिखनी पड़ेगी तो हम हमेशा क्या लिखेंगे? एम्पियर, न कि कूलॉम अपॉन सेकंड। हम लिखेंगे हमेशा क्या? एम्पियर। तो ये अपने पास आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसकी यूनिट। तो आज का अपने पास टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और यूनिट एंड डेफिनेशन। बाकी रिमेनिंग टॉपिक कल करेंगे। आज जितना पढ़ाया है